ये न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के बटियागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बटियागढ़ पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लखन पटेल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान लोग चुनावी सभा में उनका भाषण सुनने के लिए पहुंचे। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा के दौरान अपने भाषण में, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। विधानसभा के संयोजक देवी सिंह नंदरई जी आए और माननीय जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी। स्वागत है भाई, स्वागत है, शिवराज जी का स्वागत है। मंच पर अव्यवस्था ना फैलाएं। चलो, पिछले बार जरा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब सब सही हो जाएगा। आदरणीय राजेंद्र जी, भाई राहुल जी, चूंकि समय की सीमा है और मुझे अभी 7 सभाएं और करनी है, आप कल्पना करते हैं कि अगर नहीं पहुंचे तो कितनी बुरी हालत होती है। इसलिए मैं आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूं, नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे क्षमा करेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज बटियागढ़ में आके मुझे बहुत प्रसन्नता है, कई दिनों बाद इस बार आना हुआ है। पिछली बार जब आया था तो अपने कॉलेज खोला था, यहाँ कॉलेज स्टेडियम नगर परिषद का भी, अब वो तो कई चीजें नहीं थी, लेकिन बाबा जी पिछले बार हार गए थे तो 5 साल को गैप होगा, हमें कभी गड़बड़ हो गई थोड़ी, लेकिन आज चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन करने आना था। लखन, आपने जो बात कही है, किसान भाइयों, को हमारा संकल्प है पंचम नगर सिंचाई योजना और बाकी सिंचाई योजनाओं का पानी किसानों के खेत में पहुंचा के उनकी जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी बदलना। देखिए, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है, इस परिवार में भाई बहन है, इस परिवार में भांजे भांजी है और मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में इनकी जिंदगी को मैं बेहतर बनाऊं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन कहने का भाई थोड़ी हूं। अरे भाई को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज बोल के बताओ, करना चाहिए कि नहीं? और इतने कई दिनों से मैं सोच रहा था कि शिवराज कुछ कर, कुछ कर। मैं देखता था कि मेरी बहनें 1000-2000 रुपए के लिए भी परेशान हो जाती थी, कई बार जरूरत पड़ती थी तो मांगना पड़ता था, हाथ फैलाने पड़ते थे, कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे तो निराश होती थी और उदास होती थी। और इसलिए मुझे लगा कि बहनों की मजबूरी दूर करनी चाहिए। अरे सगा भैया भी तो अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है ना, साल में राखी बंधवाता है, फिर कपड़ा देगा, पैसे देगा, सही बात है कि नहीं बहनों? तो मुझे लगा तू भी भाई है, बोलो भाई हूं कि नहीं, सगा हूं कि सौतेला? मैं भी सगा भाई हूं। और इसलिए एक बात और मेरे दिमाग में आई कि महीना में एक बार, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, अगर बहनों की जिंदगी बदलना है तो हर महीना पैसे देने पड़ेंगे। उसने लाडली बहना योजना बना के हर महीने पैसे डालने की योजना बनाई। मेरी बहनों, बताओ कैसी योजना है लाडली बहना योजना? इससे आपकी जिंदगी बदली है कि नहीं?
अरे मैंने कई बहनों से पूछा क्या बदलाव आया, तो बहनें कहने लगी भैया आजकल घर में इज्जत बढ़ गई है जरा, आजकल तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है और घी चुपड़ी रोटी मिलती है। कहीं ने कहा कि हमारे पतिदेव भी अब बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आए। मेरी बहनों ये योजना नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और लखन आपने कहा है कि कुछ बहनें रह गई है, इस भाई के रहते हुए कोई बहन शेष नहीं रहेगी, सबके नाम जोड़े जाएंगे, चिंता मत करें। और इससे आगे बढ़ के मुझे कई बेटियों ने भी कहा कि मामा आजकल हम जल्दी शादी नहीं करते, हमें नहीं करना है, 21 साल में शादी, हमें पढ़ना लिखना है। तो हमने तय किया 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियों को भी योजना में शादी नहीं हुई हो तो भी जोड़ा जाएगा। और ये केवल 1250 थोड़ी रहेगा, 1000 से 1250 की है। अभी पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, पैसा बहुत लगते हैं क्योंकि मेरी बहनों की संख्या है 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1,32,00,000 बहने मेरी, मुझसे भाग्यशाली इस दुनिया में कौन होगा। और इसके बाद भी कहीं छूट गई है वो भी जुड़ेंगे। पैसे की व्यवस्था करके 1,250 से बढ़ा के 1,500 करूंगा, 1,500 से बढ़ा के 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750 और फिर कितने। कमलनाथ ने कहा है कि आपने उनकी सरकार गिरा दी, क्या उनका क्या दोष? आज बता तो दिया, सारे दोष पर गिना दिए मैंने, दोष नहीं पाप गिना है, उनके पाप।